नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के मिशन किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के लक्ष्य के अंतर्गत जो है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई थी 2018-19 में, और जिसके तहत जो है यह योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के एक हिस्से के रूप में शुरू कर दिया गया था। उसमें लागू करने के लिए बजट जारी कर दिया गया था, और ये इसके बाद जो है इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था 15 मई 2020 से। और इसके लिए जो है इसके अंतर्गत आलू, प्याज और टमाटर के भंडारण करने के स्थल तक पहुंचाने के लिए और वहां से ढुलाई के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए मंडी तक ले जाने के लिए, इन सब में जो किसानों की ढुलाई का खर्च आएगा और परिवहन का खर्च, उस पर सब्सिडी प्रदान करने, 50% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गई थी, और जिसके लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लागू किया गया है। और इस स्कीम के तहत जो है जल्दी ख़राब होने वाले हरी सब्जियों और फलों को शामिल किया जाएगा, ताकि जो है किसानों को इस होने वाले नुकसान से बचाया जा सके और वो किसान अपने जल्दी ख़राब होने वाले फसलों को भंडारण शीतगृह में भंडारण के लिए स्टोरेज के लिए पहुंचा सकें। उसके लिए जो खर्चा आएगा उस पर 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। और इसके योजना के तहत जो है केंद्रीय बजट 2021 में 22 अन्य फसलों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है, किंतु अभी तक जो है इस योजना में सब्सिडी का लाभ जो है केवल आलू, प्याज और टमाटर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आलू, प्याज और टमाटर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना में ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जो है पात्र लोगों के जो है सूची निकाली जाएगी, लिस्ट में यदि आप इस योजना के पात्र होंगे तो आपको जो है सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, फुटकर विक्रेता और लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट, खाद प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि, इन सभी लोगों को जो है सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं श्रेणी के आधार पर, वो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही अपलोड करना होगा, और सभी श्रेणी के अनुसार जो है अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर जाना होगा, और गूगल वेब ब्राउज़र पर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम 2021 लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है ये योजना का पोर्टल खुल जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट ये योजना की है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अंतर्गत जो है इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए आत्मनिर्भर भारत इस विकल्प पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन्स टोटल टॉप टू टोटल, इसका मतलब जो है आलू, प्याज, टमाटर TOP पर जो है सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस यहाँ पर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, और आवेदन पत्र का सैंपल देख सकते हैं कि आवेदन पत्र में क्या क्या भरना होगा आपको। और यदि जो किसान जो है इस योजना में आवेदन कर
चुके हैं, तो उनके लिए जो भी किसान एजेंट या सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि जितनी भी श्रेणियों को इस योजना का लाभ होगा, उन्होंने अगर ये आवेदन किया हुआ है तो अपने राज्य के अनुसार स्टेट वाइज अपने नाम की सूची देख सकते हैं कि आपको जो है योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमोदन मिला है कि नहीं। तो इसके लिए अनुमोदित अनुदान का विवरण इस विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है इस विकल्प पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है, योजना के बारे में अगर जानना है और स्कीम का दिशा निर्देश, तो इस विकल्प पर आप क्लिक करके जो है दिशा निर्देश आपको ये दिया हुआ है, इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, ये दिशा निर्देश दी हुई है योजना के बारे में, तो इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो है मंत्रालय के संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस लिंक पर क्लिक करके पोर्टल पर पहले आपको रजिस्टर करना होगा खुद को, और फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये लॉगिन पेज खुलेगा। तो यदि आप इस योजना पर नए, इस योजना के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नए हैं इस योजना पे पोर्टल पे, आप लॉगिन आईडी नहीं बना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, और यदि बना हुआ है तो यूज़र नेम की जगह अपने जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको प्राप्त होगा आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ लिखना होगा, और पासवर्ड आपने जो खुद से बनाया होगा वो लिखना होगा। कैप्चा कोड लिखकर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म देख सकेंगे, और फॉर्म भरकर और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने की जो है तिथि बढ़ा दी गई है, डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। तो जो भी किसान या जो भी फूड प्रसंस्करण इकाइयाँ इस योजना में नहीं करी हैं रजिस्ट्रेशन, वो कर सकती हैं। तो न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके यदि लॉगिन आईडी नहीं बनी है तो लॉगिन आईडी बनाना होगा। इसके लिए फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि एनजीओ दर्पण में यानी कि आयोग पोर्टल पर आप रजिस्टर हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस या नो, तो जिस भी ऑप्शन पर आपका जो होगा आपके अनुसार वो सेलेक्ट करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी जानकारी आपको भरनी होगी, ईमेल आईडी और अपना जो भी एड्रेस है, स्टेट भरना होगा, स्टेट का नाम और मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर यदि है तो, और जो भी आपके टीम का लीडर है उसका नाम लिखना होगा यदि समूह में या किसान समूह है या सहकारी समिति है या कॉरपोरेशन है तो उस टीम लीडर का नाम लिखना होगा यहाँ पर, लीड प्रमोटर। और रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ जो आपके कंपनी की रजिस्ट्रेशन आईडी होगी वो लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपनी का पैन नंबर लिखना होगा, और दो आधार नंबर लिखना होगा कंपनी का, और फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आप ये रजिस्ट्रेशन आईडी का मैसेज प्राप्त होगा, और उस रजिस्ट्रेशन आईडी को यूज़र आईडी की जगह पर लिखकर आप जो है इस पे लॉगिन करके फॉर्म भर सकेंगे। और योजना में जो है योजना के तहत डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सी भरनी होगी कैटेगरी के अनुसार उसको देखने के लिए आप मुझे यहाँ पर आवेदन पत्र का सैंपल इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है आवेदन से संबंधित जो मैं फॉर्म के सैंपल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म होगा और कैसे कैसे आपको उसमें कौन कौन सी जानकारी भरनी है। तो अपनी श्रेणी के अनुसार यहाँ पर दिया है किसानों के समूह के लिए आवेदन पत्र, विपणन
सहकारी संघ के लिए आवेदन पत्र तो जिस भी कैटेगरी के के अंतर्गत आ रहे हैं उस कैटेगरी के सामने दिए हुए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके विकल्प पर फॉर्म का नमूना देख सकते हैं कि कैसा फॉर्म होगा और आपको उसमें कौन कौन सी जानकारी भरनी होगी। और आप डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए कि कौन कौन से श्रेणी के अनुसार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भरने चाहिए होंगे उसके लिए यहाँ पर आपको करना होगा दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों की सूची। तो इस यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये पेज और इस पर आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो यदि इंडिविजुअल फार्मर हैं तो आपको अपने कृषि भूमि के दस्तावेज चाहिए होगा और आधार कार्ड चाहिए होगा और उसी के हिसाब से ये सभी श्रेणी के अंतर्गत जो अभी इस योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो अपने श्रेणी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होगा वो आपको देना होगा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं और योजना में आवेदन करने का फॉर्म देखने के लिए किसान समूह के लिए यदि फॉर्म देखना है आपको किसान समूह के अंतर्गत आप जो है इस योजना में सब्सिडी के लाभ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस यहाँ पर आप इस पर करके देख सकते हैं। तो एक फॉर्म का जो है नमूना यहाँ से क्लिक करके देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये फॉर्म होगा इस फॉर्म को आपको पूरा भरना होगा और भरने के बाद इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस योजना में पहले लॉगिन करके लॉगिन आईडी बनाना होगा पोर्टल पर और उसके बाद आवेदन फॉर्म भर सकेंगे अपनी कैटेगरी के अनुसार और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ से देख करके उस हिसाब से लिस्ट भर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इस योजना के अंतर्गत जो है सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की जानकारी आप जो है हमारे सीखे योजना वेबसाइट पर भी जो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें भी सारी जानकारी दी हुई है।